सबसे पहले ध्यान देंगे कि भागवत कहते किसे हैं। भागवत का सबसे पहला अक्षर आता है भा। क्या आता है? भा। भा से अनेक मते हैं, कुछ विद्वान भक्ति भी कहते हैं, कुछ भक्त भावना भी कहते हैं, कुछ लोग भक्त भी कहते हैं। भा के अनेक मते हैं। भगवान हमेशा प्रेम से रीझे हैं। भगवान विद्वान के घर नहीं जाते, जिसे ज्यादा ज्ञान होता है ना, भगवान उसके पास कभी नहीं जाते, क्योंकि ज्ञानी को हमेशा घमंड रहता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। और जो आनंद पागलपंती में है वो ज्ञानी में ना है, समझ रहे हो? जो आनंद भगवान के वियोग में पागल होने में है वो ज्ञान में नहीं है। भा के बाद आता है गा। गा से होता है ज्ञान। ज्ञान कब होता है? जब वैराग्य दूर होता है, जब मोह माया दूर होती है, व्यक्ति खत्म हो जाता है। तो चार लोग उसे लेके जाते हैं तो पीछे वाले कहते हैं राम राम सत्य। जब मरघट में ले गए और उनमें जब अंतिम संस्कार किया उनका, तो थोड़ी देर के लिए माइंड चेंज होता है, तो दिमाग में एक बात आती है कि आज ये मर गए तो कल हम भी मरेंगे, आज ये लोग इन्हें जलाने लाए तो कल हमें भी लाए, क्या लेके आए और क्या लेके जाएंगे। उस वक्त के लिए होता है वैराग्य। बार बूर के घर आए नाए दो वैसे के वैसे, भैंसियन को सानी रही नाती पोतन में मगन। तीसरा चराता है ता। ता से होती है तपस्या। ता से होता है त्याग। भगवान हमेशा त्याग पर प्रसन्न होते हैं। अगर हम किसी को प्रेम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि जिससे हम प्रेम कर रहे हैं वो हमारे साथ ही रहे। जिससे हम प्रेम कर रहे हैं वो अगर प्रसन्न रहे तो उससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग को मिलकर के बनी है भागवत। भागवत का पहला श्लोक आता है सच्चिदानंद रूपाय विश्वतपत्याद हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इस दुनिया की रचना करने वाले हम और आप जैसे जीवों का पालन पोषण करने वाले ऐसे संत चित आनंद को हम बार बार नमस्कार करते हैं। उनका बार बार आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमें इतना सुंदर शरीर दिया। आगे बड़ी मार्मिक कथा आती है। कथा है जैसा कि अभी भैया जी कथा सुना रहे थे धुंधकारी की। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हुए जिनकी पत्नी का नाम है धुंधकारी, लेकिन किस्मत ऐसी कि औलाद पैदा। एक बात और बता दें, संसार में सुखी कोई नहीं है। यह कहो कि औलाद वाले सुखी हैं, वो उनसे भी ज्यादा दुखी हैं। औलाद नहीं है तो एक ही नाम है कि है नहीं, समझ रहे हो? क्योंकि अपनी अपनी किस्मत है जो प्रभु ने लिखी है, और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी। संसार में सुखी कोई नहीं है, क्योंकि किसी के पास भोजन है तो भूख नहीं है, किसी के पास भूख है तो भोजन नहीं है, किसी के पास समय नहीं है, और जिसके पास समय है उसके पास खाने को, जिसके पास घर है उसे रहने का वक्त नहीं है, और जिसे रहने के लिए जगह चाहिए उसके पास घर। संसार में सब दुखी है। अब ये कहो कि हम सुखी हैं तो हम भी सुखी नहीं है, आप कहो आप सुखी हैं तो आप भी सुखी नहीं है। इस दुनिया में जो व्यक्ति आया है उसे कुछ ना कुछ समस्या तो रहती है। कोई लड़के से दुखी है तो कोई लड़के के लिए दुखी है, कोई बहू से दुखी है तो कोई बहू के लिए दुखी है,
महाराज ऐसे ऐसे घर पड़े हैं जिसमें चार चार लड़का हैं लेकिन माता पिता अलग रोटी बना के खाते हैं। तो बताओ औलाद को कुछ सुख है? कुछ नहीं जाते तो बिना औलाद के बड़ी खाते। और ध्यान रखना अगर तुम्हारी औलाद तुम्हारी सेवा नहीं कर रही तो गलती औलाद की ना है। तुम्हारे कुछ कर्म ऐसे होंगे जो आज तुम्हें पोजीशन पे। और तुम्हारी औलाद अगर तुम्हारी सेवा नहीं कर रही है तो चिंता मत करो, जो आगे आने वाला समय है ना तुमसे भी ज्यादा उनकी दुर्गति होने वाली है। आप ये ना समझो कि तुम्हारी औलाद तुम्हें गाली दे रही है तो तुम्हारी औलाद सुखी रहे। अबे तो 2021 चल रही, जब तक तुम्हारी औलाद बड़ी होगी तो जमाना बहुत बदल जाएगा। कुछ घर ऐसे देखे मंदिर में घंटा लाए रहे और शंकर जी पर लोटा चलाए रहे, बोले भोले बाबा हमारे ऐसे काम करते हो। और घरे पापा ने यार माँ ने पानी मांगा, बोले लला एक लोटा पानी लाया, बोले चुप्पा पी ले जाएगी, धरी धरी का जुकाम नहीं करती है। अब बताओ मंदिर में घंटा लाए रहे, बोले भोले बाबा ऐसे काम करते हो। लेकिन ध्यान रखना जिसके माँ बाप दुखी है उसके लिए भगवान कभी प्रसन्न। जिसके घर में सास ससुर भूखे मर रहे हैं तो भोले बाबा कभी खुश, क्योंकि भगवान ने तो हमें दुनिया में भेजा है और माँ बाप हमें इस दुनिया में लाए हैं। भगवान से बड़े हैं माँ बाप। कुछ विद्वान ये कहते हैं औलाद अगर चप्पल बन जाए, औलाद अगर चप्पल बन के माँ बाप के पैर में पिन जाए तब भी माँ बाप का कर्ज अदा नहीं कर सकते। ध्यान रखना।